हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स नीटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ यह जाली वाला पैटर्न शेयर करना चाहती हूँ। यह पैटर्न लेडीज स्वेटर या फिर बेबी फ्रॉक में बहुत सुंदर लगता है। यह पैटर्न 2+2+2 के फंदों पर बनाया गया है। यह पैटर्न रॉन्ग साइड से ऐसा दिखता है और राइट साइड से ये इस तरह का दिखता है। तो चलिए आज हम इसे बनाना सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 2+2+ के मल्टीपल पर फंदे लिए हैं और किनारे के एक एक फंदे। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा हमने सीधा बुन लिया, ऊन को सिलाई पर लपेटकर एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम लपेटकर एक फंदा बनाएंगे और दो फंदे एक साथ सीधा बुन देंगे। ये देखिए, दो फंदे हम एक साथ सीधा बुन देंगे, एक फंदा सिंपल तरीके से सीधा बुनेंगे, ऊन को सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे, दो फंदे एक साथ सीधा बुन देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को सिलाई पर लपेटकर एक फंदा बनाएंगे और ये दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं। दो फंदे एक साथ बुनने के लिए हमें फंदों को थोड़ा ढीला करना पड़ता है। देखिए, दो फंदे हमने सीधा बुन एक साथ सीधा बुन दिया, एक फंदा सीधा, ऊन सिलाई पर लपेटेंगे, एक फंदा हमने यहाँ पर बना लिया और दो फंदे एक साथ सीधा बुन देंगे, एक फंदा हमने सिंपल तरीके से सीधा बुना, ऊन सिलाई पर लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा और एक फंदा सिंपल तरीके से सीधा बुनेंगे, ऊन को सिलाई पर लपेटेंगे, इन्हीं दो फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है। दो फंदे हमने सीधा एक साथ बुने और इस एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे, ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदा एक साथ सीधा बुनेंगे, और एक फंदा हमने सीधा बुन देना है। ऊन हमने सिलाई पर लपेट कर एक फंदा बना लिया है और ये दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे। दो फंदे एक साथ सीधा बुन देंगे, एक फंदा सीधा, किनारे के एक फंदे को सिंपल तरीके से सीधा बुन देंगे, दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा, रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। यह पैटर्न बेबी फ्रॉक में बहुत ही सुंदर लगता है और लेडीज कार्डिगन में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं।
ये लास्ट का एक फंदा उल्टा, तीसरी सिलाई राइट साइड। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा भी सीधा। पहली सिलाई में हमने एक फंदा बिना बुने उतारा था और दूसरा फंदा सीधा बुना था, लेकिन ये तीसरी सिलाई में हम यहाँ पर दो फंदे सीधा बुनेंगे। ये पहले फंदे को बिना बुने उतार लिया है मैंने, और ये एक दो फंदे सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद ऊन लपेटकर एक फंदा बनाएंगे और दो फंदे एक साथ सीधा, एक फंदा सीधा, ऊन लपेटकर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा, एक फंदा सीधा, ऊन लपेटकर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदा सीधा, ऊन लपेटकर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। इसे ही हमें बार बार रिपीट करना है। ऊन लपेटकर एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे, और फिर एक फंदा सिंपल तरीके से सीधा बुनेंगे। पूरी सिलाई हमने इन्हीं दो फंदों को रिपीट करना है। ऊन लपेटकर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे, एक फंदा सिंपल तरीके से सीधा बुनेंगे, और ये किनारे का एक फंदा सीधा। रॉन्ग साइड, चौथी सिलाई। पहले फंदे को बिना बुने हम उतार लेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, और हमने रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। लास्ट का फंदा ये उल्टा। ये यहाँ पर हमारी चार सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, और इनमें पैटर्न का एक बेस तैयार हो गया है। और अब पांचवी सिलाई राइट साइड। पहले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, ऊन लपेट कर लूप बनाए सॉरी फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा, एक फंदा सीधा, ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा, एक फंदा सीधा, ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा, एक फंदा सीधा, ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा, एक फंदा सीधा, ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ सीधा। इसी तरह से हम आगे भी बुनते जाएंगे, और आगे बुनने के बाद यह डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिखेगा। आप इसे इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।